आगामी 2 अप्रैल को निकाली जाने वाली चेटीचंड शोभा यात्रा को लेकर अजमेर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर आज जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से उस रूट का निरीक्षण किया, जहां से होकर यह शोभायात्रा निकाली जाएगी। सैकड़ों वाहन और हजारों लोगों की भीड़ के साथ निकाली जाने वाली शोभायात्रा के दौरान कई स्थान ऐसे हैं जहां से यह शोभायात्रा निकलने में परेशानी होती है। वहां प्रशासन द्वारा पूर्व में व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जाता है। इस संयुक्त दौरे में 38 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहां शोभायात्रा के दौरान परेशानी आ सकती है। तय किया गया है कि आगामी 2 दिनों में इन तमाम बाधाओं को दूर कर शोभायात्रा के रूट को साफ किया जाएगा। इस निरीक्षण दौरे में अजमेर एडीएम सिटी राजेंद्र अग्रवाल सहित संबंधित सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी सहित नगर निगम के पार्षदों ने भी इस अवसर पर जिला प्रशासन को अपने सुझाव दिए हैं। चेटीचंड की जो शोभा यात्रा निकलेगी मुख्य रूप से 2 तारीख का है। वैसे समाज का प्रोग्राम है, काफ़ी लंबी अवधि तक चलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो शोभा यात्रा का प्रोग्राम है 2 तारीख को, वो पूंछ लाल साहब का जो मंदिर है वहाँ से स्टार्ट होता हुआ और पूरे रूट पर माननीय विधायक, समाज के लोग और हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, विशेष रूप से नगर निगम है, PWD है, विद्युत विभाग है, उनके द्वारा पूरे मार्ग का निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी कमियां हैं उनको समय रहते दूर कर दिया जाएगा, जिससे कि शोभायात्रा और ये समारोह और ये पर्व बहुत ही अच्छी तरह मनाया जा सके। झांकियाँ उसमें रहती हैं तो उसकी तैयारी के लिए एक बार तो जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में बैठक हो गई, उसके बाद आज पूरे रूट को हम देखने के लिए निकले हैं कि कहाँ कहाँ पेचवर्क होना है, कहाँ कहाँ तारें लटक रही हैं, कहाँ पेड़ को छनवाने की आवश्यकता है, झाड़ियाँ बीच में नहीं आएँ क्योंकि बड़ी ट्रक होंगे उसमें हमारी सारी झांकियाँ होंगी, उसके साथ आगे कुछ झंडे लेकर के भी लोग चलेंगे। उस ढंग से सारे रूट बाहर निकले हैं, हमारी टीम निकली थी, उन्होंने लगभग 34 से अधिक 38 पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ कमियाँ निकाली हैं जो आज हमने प्रशासन को दी हैं। आज प्रशासन के सभी विभागों के साथ हमारे ADM सिटी के साथ पूरी टीम आज निकली है जो पूरे उस रूट का हम निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कमी है वो संबंधित डिपार्टमेंट्स को हम बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगामी 2 दिन के अंदर ये सब ठीक हो करके अजमेर की जो एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकलती है वह व्यवस्थित निकले, सुजय से निकले और सारे लोग उसको आराम से एंजॉय कर सकें, देख सकें और सब लोग उसका लाभ ले सकें। इस दृष्टि से हम लोग निकले हैं तो मुझे उम्मीद है कि सारे अधिकारी इसका स्वयं मेहनत करके इसको ठीक करेंगे ताकि जिससे शोभा यात्रा अच्छे से निकल सके और सारे लोग उसका आनंद ले सकें।